विशाल, हाउ कुड यू लेट देम? क्या अब तुम लोगों का स्टेटस इतना नीचे गिर गया कि ऐसे मिडिल क्लास लोगों के साथ रिश्ता बनाओगे? यहां मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिंगापुर गया था और तुम लोगों ने यहां ठकराल्स को समाज सेवा का ठेकेदार बना दिया। दैट प्लीज कम ऑन, मैं वही विशाल ठकराल हूं जो समाज सेवा के नाम पे बिजनेस करता था और करोड़ों कमाता था। लेकिन इस समाज सेवा में? इसमें भी करोड़ों कमाऊंगा, इनफैक्ट 150 करोड़। देखिए बात यह है कि बलदेव कपूर के पास एक लैंड है जिसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ है, लेकिन कुछ कोर्ट केस की वजह से अभी तक वो लैंड उन्हें नहीं मिली। लेकिन मैं ये कोर्ट केस उन्हें जिता कर वो लैंड उनके नाम करवा लूंगा। What the hell is wrong with you? तुम उन्हें केस जिता दोगे, लैंड उन्हें मिलेगी, तो एक बात बताओ, वो करोड़ों तुम्हें कहां से मिलेंगे? उस लैंड को कपूर से अपने नाम पे करके। Yes, Dad. That's the plan. वो लैंड को हम बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदेंगे और जैसे ही केस का जजमेंट हो जाएगा उसे 150 करोड़ में बेच देंगे और उस 150 करोड़ को 1000 करोड़ में कैसे तब्दील करना है इतना बिजनेस तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बलदेव कपूर ने अगर वो जमीन तुम्हें नहीं बेची तो हम उन्हें मजबूर कर देंगे डैड। कोर्ट में उनके अगेंस्ट जो पार्टी है मैंने उसे खरीद लिया है, तो ये केस तो बलदेव कपूर ही जीतेगा, लेकिन उससे पहले वो लैंड मैं अपने नाम पे करवा लूंगा। यू मीन डिस्प्यूटेड लैंड खरीदोगे तुम, वो भी कोर्ट के डिसीजन से पहले? करेक्ट, तभी तो कम कीमत पे बेचेंगे बलदेव कपूर उस लैंड को। और जैसे ही वो लैंड हमें मिलता है वो केस जीत जाएंगे। This is cool. ये दिवाली उनके लिए तो यादगार होगी ही, लेकिन हमारे लिए ये लाइफ की सबसे यादगार दिवाली होगी। इनफैक्ट इस दिवाली को हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।